सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल, वेलकम बैक टू अवर व्लॉग। दोपहर के बज चुके हैं 2:30 और अभी फिलहाल आप हमारा कल वाला धनतेरस वाला व्लॉग एंजॉय कर रहे होंगे। और यहाँ पे हमारी नहाने की तैयारी हो चुकी है, मतलब डुगू नहाने जाने वाले हैं अभी। और ये देख लो, क्योंकि बंदे को बहुत ज़्यादा काम रहता है और बहुत बिजी रहते हैं ये, और किसी को भी हमारा अगर मैसेज अगर लग रहा होगा तो लग ही रहा होगा, सिर्फ है नहीं, सब कुछ ठीक हुआ पड़ा है। वो तो ये बंदा ऐसे ऐसे लेट के एडिटिंग करता है, तो क्या करें हम, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। तो कुछ लोग कह रहे थे दिवाली है तो तुम डांस करके दिखाओ, और यहाँ मैंने डुगू के पैर पे पैर रख दिया है। और ये डुगू का कैट वाला मुंह, बताया नहीं तूने कल हमारा एक्सीडेंट हुआ था? बोला था मैंने, मत बताओ। क्यों? ऐसे ही क्यों गाइस, कुछ कहेंगे अपने को? ऐसे कुछ कहेंगे नहीं, बट ठीक है, वो अब हो गई है एक बात, क्या करें। मेरे गाइस देखो कितनी तेज चोट लगी थी यार, सोच भी नहीं सकते। ये देखो, शुक्र है भगवान का इतना बेटा लिया, मतलब थोड़ा वो घिसड़ गया यूं करके। बता दो फिर इंसिडेंट क्या हुआ था। एक्चुअली क्या हुआ गाइस, मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग जा रहे थे दिया लेने के लिए, एंड बिल्कुल लड़कियों की तरह बताऊँ, इस टाइम मनारा की तरह बताऊँ, मनारा की तरह, तो हम लोग गाइस जा रहे थे दिया लेने के लिए, यू नो दिवाली की शॉपिंग करने के लिए, एंड स्पीड कम होती है थोड़ी बोलने में, बोलने की स्पीड कम होती है। तो हम लोग वहाँ से आ रहे थे ना, जब हम लोग वहाँ से आ रहे थे अपने घर की ओर, तो जैसे ही मैंने टर्न किया ना गाइस, तो मैं एक्चुअली अपने रॉन्ग साइड पे थी, तो मेरे को एक्चुअली क्रॉस करना था। तो जैसे ही मैं क्रॉस करने लगी ना, तो सामने से बहुत ही ज्यादा, मतलब अभी सोचो, मतलब दिवाली का टाइम है, मतलब दिवाली के टाइम में आप इतनी तेज स्पीड कैसे कर सकते हो? तो सामने से बहुत ही गली, वो भी गली में, वो भी ये नहीं था कि कोई हाईवे था गाइस, हाईवे भी नहीं था, पूरी एक छोटी सी गली थी, उसके अंदर कोई इतनी तेज स्पीड में अगर कोई बाइक लेके आ रहा है और अगर किसी को रास्ता क्रॉस करना है, तो उसको कैसे, मतलब वो कैसे कंट्रोल करेगा? और मैंने अपनी मोड़ा, मैंने अपनी स्कूटी धीरे की हुई थी, मैंने मेरी तो स्कूटी की जो स्पीड थी वो सिर्फ 10 या 20 पे थी ओनली। तो मैं क्रॉस कर रही थी और सामने से बहुत तेज स्पीड में एक बाइक वाला आया, एंड उसने कंट्रोल करने की कोशिश की, बट स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो कंट्रोल नहीं हुई और हमारी स्कूटी के अंदर जाके भिड़ गई। अभी तो हमने चेक भी नहीं किया कि हमारी स्कूटी में कहीं लगी तो नहीं है, क्योंकि रात हो रही थी गाइस। और मेरे देखो गाइस, यहाँ पे इतना तेज दर्द हो रहा है गाइस, मैं आपको बता नहीं सकती, मैं पूरी रात सो नहीं पाई, मैं आपको बता नहीं सकती मेरे को कितनी तेज दर्द हुआ। मेरे पैर पे भी लग गई थी गाइस, देखो यहाँ पे भी लग गई थी, मेरे को यहाँ पे भी जलीट आई और यहाँ पे भी, सॉरी, स्क्रैच आया गाइस, उसके बंदे के घुटने में लगी है जो, और उन भैया के भी घुटने में लगी थी। मुझे उनके लिए बहुत बुरा लग रहा है, बट गाइस उनकी गलती है ना, उनको बहुत इतनी तेज स्पीड में नहीं आना चाहिए था ना गाइस। और तुम्हें हंसी की बात बताओ, तुम्हें हंसी की बात बताओ, जैसे ही ये इंसिडेंट, जैसे ही ये घटना घटी, जैसे ही घटना घटी तो मैं तो पीछे बैठी हुई थी, कल मैंने सूट और पहन लिया था, वन साइडेड और बैठी, चिल्लाई इतनी तेज, घबरा जाती हूं भाई, वो बहुत स्पीड में था। मैं बता रही हूँ, अगर मैं सच में, ऐसा भगवान ना करे किसी के साथ हो, अगर उस बंदे ने कल स्पीड, वो जो उसने लास्ट मोमेंट पे कंट्रोल किया, अगर वो नहीं की होती ना, तो हमको नहीं पता कि क्या होने वाला था। उस गाड़ी की जो स्पीड थी, जिससे वो बिल्कुल आमने सामने भिड़ी है स्कूटी, और मैं पीछे से चिल्ला रही हूँ जान जान जान, फिर मैं उसके बंदे की शक्ल देख रही हूँ, उसे घुटने में लगी, तो मैं उसको मतलब थोड़ा वो कर रही थी कि भैया कोई बात नहीं, इट्स ओके इट्स ओके, मैं नॉर्मल कर रही थी, मैं इनको भी नॉर्मल कर रही हूँ। लिटरली मेरी हार्ट बीट, मेरे हाथ पैर कांप रहे, जैसे ही बस क्रॉस किया मैंने स्कूटी रुकवाई और मैंने इनको बोला पहले दिखाओ चोट कहाँ लगी है, वहाँ पर मैं इतना घबरा गई ना, मैं इनको समझा रही हूँ, जब भी मैं इनके साथ कहीं जाती ना तो मैं इनको ये ऐसे ऐसे करती होती पीछे, बाबू धीरे, इजी इजी इजी, ये बहुत कंट्रोल में चलाती है। लेकिन कल का जो इंसिडेंट था वो पता नहीं, कल हमें, मेरे को अपने सीधे साइड चलाने का मौका ही नहीं मिल रहा था, एक और जगह थी वहां पे मैं उल्टा उल्टा चला जा रही थी, पता नहीं कल क्या हो रहा था, सीधे साइड चलाने का मौका ही नहीं मिल रहा था। एक्चुअली ना पता क्या है, भीड़ बहुत ज्यादा है, और हम तो ना ऐसे है ना कि हम तो ऑटो लेना ज्यादा सही समझते हैं भीड़ के टाइम पे, मैं तो इनको लेके जाना भी नहीं चाहती, पता नहीं क्यों, अब मुझे ना थोड़ी घबराहट होने लग गई, और मैं इनको ना यहाँ से सामने हमारे सब्जी मंडी में, वहां तक भी नहीं भेजती अकेले सब्जी लेने की, मैं खुद जाऊंगी, पता नहीं क्यों मुझे ऐसे मतलब डर लगता है यार। यहाँ पे लोग थोड़ा चलाते हैं ना, फिर वैसे यहाँ पे थोड़ी अंधाधुंध चलाते हैं, हल्का सा किसी को रास्ता खाली मिल जाए, इतना गंदा चलाते हैं, बहुत गंदा चलाते हैं, तो ये चीजें होती हैं। अभी तो हमने वो वाली भी नहीं बताई ना, जो उस दिन अपन गए थे हाईवे पे, क्या हुआ था हाईवे पे? हुआ कुछ नहीं था, जब तू भगवान के भजन गा रही थी। ओह, वो तो अलग इंसिडेंट है, वो फिर बताएंगे, बोर हो जाएंगे गाइस, आज दिवाली पे ये सुनाना है क्या? तो गाइस छोटी दिवाली है आज, और अब हमारा सारा, देखो, आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, और पटाखे थोड़े कम जलाओ, हो सके तो जलाओ, बस जलाओ, लेकिन अपने थोड़े बाहर पे स्ट्रीट, ये इन सब का ध्यान देके कि वहाँ पे कोई हो ना, हम बहुत ज्यादा वाले मना नहीं करेंगे, मतलब बहुत ज्यादा वाले बड़े मत जलाओ, जिनका साउंड बहुत ज्यादा होता है ना,
वो मत जलाओ, छोटे पटाखे जलाओ। और मैं बताऊँ, रिसेंटली मैंने कुछ वीडियोज ऐसी देखी है ना, मतलब डॉग्स की, आप लोग भी जब देखोगे तो आपको बहुत दुख पहुंचेगा। वो क्रैकर्स के इतने ज्यादा शोर से ना इतना मतलब ट्रॉमा में चले गए ना बहुत सारे ऐसे एनिमल्स, तो वो देख के ऐसा लगता है कि नहीं यार, अपने दोपल की खुशी के लिए ऐसा क्यों करना। तो आप फुलझड़ियाँ जलाओ, अनार जलाओ, ऐसे जलाओ, मतलब बहुत ज्यादा शोर शराबे वाले क्रैकर्स को ना जलाया जाए, ऐसी हमारी आपसे विनती है। बाकी आपका जैसा भी आपको ठीक लगे, क्योंकि खुद आप लोग सब बहुत समझदार हैं, बहुत प्यारे हो, एंड आई होप आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करोगे। तो हैप्पी दिवाली, शुभ दिवाली। दिवाली रोशनी का त्यौहार है, प्यार का त्यौहार है, और मैंने तो बचपन में यही पढ़ा है कि मिठाइयाँ बांटते हैं एक दूसरे को, प्यार बांटते हैं, दूसरे के गले मिलते हैं, और घर को सजाया जाता है पूरे दियो से, रोशनी का त्यौहार है। तो चलो गाइस, जैसे के साथ अब हम बाद में मिलेंगे, बहुत ज्ञान हो गया, हम का हाथ दुख गया, क्योंकि अभी हमें जाना है दिए लेने के लिए, जो हम नहीं लेके आए कल। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, पहले हमारे जो नीचे जितने भी अपने गार्ड हैं बिल्डिंग के, और जो यहाँ पे जितने भी अपने हैं मतलब जो सफाई वगैरह करते हैं, उनके लिए थोड़ा सामान लेने के लिए, क्योंकि मिठाई तो सबने दी है भाई, तो हम मिठाई नहीं दे रहे, हम दे रहे हैं, हम कुछ और दे रहे हैं उनको, नाश्ता दे रहे हैं मतलब। अरे यार, तो लिफ्ट का बड़ा पंगा है यहाँ पर, तो अभी हम लेके आते हैं, फिर मिलते हैं। तो गाइज, आज है हमारी छोटी सी दिवाली पार्टी, और हमारे कुछ बिल्डिंग के जो लोग हैं हमारे साथ जो रहते हैं बेचारे, जिनको हम सालों साल देखते नहीं है, कभी कभी देखते हैं हम इनको, को मैं जानती भी नहीं हूँ। हैप्पी दिवाली आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप रुके, थैंक यू। तो गाइज, हमारे बिल्डिंग में टोटल 6 लोग हैं, तो हमने सोचा कि भाई स्वीट्स वगैरह तो सारे लोग दे ही रहे हैं, तो हमने उनके आपसी सहमति से मेजॉरिटी को देखते हुए हमने कहा कि उनको कुछ वैसा देते हैं, तो इसमें लाइक स्नैक्स टाइप सारी चीज़ें हैं, मीठा वीठा सब कुछ है, पकौड़े और लाइक समोसा और स्वीट्स, ऐसे करके पूरा हमने पैकेट बनवा लिया देने के लिए, ताकि वो कुछ नमकीन इन्जॉय करें। हेलो भैया, अम्मी तो कभी मैंने देखा भी नहीं है इनको कभी अपने यहाँ पे, सुबह सुबह आते होंगे ना यहाँ तो। हैप्पी दिवाली भैया, हैप्पी दिवाली आपको। देखो, इसके बस दिवाली पे हम आपसे बस यही मांगते हैं कि आप डॉग्स को मतलब प्यार से रखो, उनको नहीं भगाओ। ठीक है भैया, आपको ऐसा लग रहा होगा गाइस कि हम आज दिवाली मना रहे हैं क्या, उतना तैयार हो गया आ गए, लेकिन मेरे पति का बहुत मन था कि भाई मैं साड़ी पहनूं आज, तो मैंने कहा चलो पहन लेते हैं, एंड मुझे साड़ी बहुत पसंद है, डुगू की पसंद की है, और इसका जो ब्लाउज है वो ब्लू कलर का है, मैंने नहीं पहना क्योंकि मुझे ये ब्लाउज अच्छा लगता है, तो मैंने ये वाला पहना, और ये थोड़ा मैच भी कर रहा है इस पर, और मैंने तो अपने वही जो मैंने मेहंदी पे पहना था कुर्ता, मैंने तो वही डाल लिया भाई जी। तो अभी फिलहाल हमारा क्या है कि पहले मंदिर में दिया जलाएंगे, और फाइनली मैं गणपति जी की माला ले आई हूँ, ताकि वो नाराज ना हो, गरम गरम हाथ मत लगाओ पीठ पे मेरी, हाँ सॉरी, यस। और हम कृष्णा जी की परमानेंट एक माला ले आए हैं, क्योंकि उनकी जो माला नहीं होती तो वो नाराज हो जाते हैं भाई, हमको नाराज वाराज नहीं करना। तो मतलब ओरिजिनल वाली भी ले आई हूँ और वो भी ले आई हूँ, तो फिलहाल मंदिर में दिया जलाते हैं, और आज है छोटी दीपावली, तो हमको बाहर लगाने हैं 5 दिए, तो वो भी जलाएंगे, तो चलो। तो गाइस, ये देखो, ये मैं लाई हूँ छोटी सी माला, ये डुगू की पसंद की है,
ये देख लो हमारी क्रिएटिविटी, हमने बनाया ये श्री गणेशाय नमः भाई, हमने ये सांचे से नहीं बनाया, अपने हाथों से बनाया, तो थोड़ा सा मतलब ठीक है, एडजस्ट कर लेना, ऐसा ऐसा बना है। तो ये हमारी पूरी रंगोली है जो हमने बना चुके हैं, और यहाँ पे यशु बैठ चुकी है भाई, थक के देखने बाहर दिक्कत हो रही थी ना बैठने में, साड़ी वाड़ी में ऐसे बैठा नहीं जाता भाई ऐसे। तो कल हम फाइनल रंगोली बनाएंगे बड़ी सी, जिसके लिए हम कलर लेके आए हैं, और क्या बनाएंगे ये अपने को नहीं पता, तो लेट्स सी कुछ तो बनाएंगे, क्यों खींचा ही था उसको, खींच गया ना मेरे को। कैसे चोट लगी बाबू, क्लिप डाल दूंगी यहाँ पे कि कैसे चोट लगी है। मम्मा पास होकर के पिंक नोजू कर देगी आपकी, पिंक नोजू कर देगी मेरी बेटी की। ओए मम्मा इतनी सुंदर कैसे हो सकती है, मम्मा इतनी सुंदर कैसे हो सकती है, कैसे हो सकती है मम्मा इतनी सुंदर, कर तो नहीं दिया तूने चुच्ची पोटी। अच्छा नो नो मम्मा को करना 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 नो 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 मम्मा ने शेरी पूछ उसकी पोटी की बदबू आ रही है, करना 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 उसकी पोटी की बदबू आ रही है बहुत गंदी, पागल है क्या, यहाँ थोड़ी कर देगा पोटी, पूछे ना पूछे ना। अच्छा नो अपनी शरारत की थी ना मम्मा, उसको बाजू करके वीडियो बना दी थी, मम्मा का हाथ काट लिया इसने अब यहाँ घूम रहा है, चला मैं नजरों से दूर बता रही हूँ, इसको निकाल दो घर से, सबसे शुभ मुहूर्त है दिवाली का, घर से निकाल दो उसको घर से, जब कोई इसकी पूछ पे पटाखा बांधेगा ना तभी ठीक रहेगा, ये नमक खाना हम बिल्ला नाक पाल रखा है, नाक को दूध पिलाते हैं हम, नाक दूध पी हमें डस बहुत गहरा काट है गाइस, मेरे हाथ में मेरे पूरे खून की तरह से पूरा इतना दिखा दे कहां से काटा है, दिखा कहां से काटा है, कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा कोई बात नहीं, मैं नहीं कटवाऊंगा गाइस, आज अपनी जरा परंपरा निभा लेते हैं, हम कमेंट्स पढ़ लेते हैं दो तीन जरा। सबसे पहला कमेंट आया है पदम जाट जी का, आप दोनों हमेशा ऐसे ही खुश रहे, माँ लक्ष्मी की आप पर सदैव कृपा बनी रहे, आप दोनों को धनतेरस का घना घना राम राम जी, हैप्पी धनतेरस यशस। थैंक यू सो मच पदम जी, थैंक यू सो मच, आपकी आपकी लाइफ में भी बहुत सारी खुशियां आए और आपको भी हैप्पी दिवाली। एक कमेंट आया रश्मि मातू का, सो ब्यूटीफुल यार, आई रियली प्राउड टू बोथ ऑफ यू यार, आप हर चीज सेलिब्रेट करते हो दोनों अकेले ही यार, सच्ची बहुत खुशी होती है देखकर, आई लव यू यार। तो थैंक यू सो मच गाइस, हम दो ही हैं यहाँ पे तो फिर कुछ कर नहीं सकते उसके अंदर, इसलिए हम दोनों को यू नो अकेले अकेले सेलिब्रेट करना पड़ता है। नेक्स्ट आया मसाला चाय है इनके इनका उसका नाम, यार आई एम एडिक्टेड ऑफ योर व्लॉग्स और यशु का स्टाइल बात करने का, बस पूछो मत जैसे कोई बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट बात कर रहा हो यार, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे। मैं इस बात से टोटली एग्री करती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग मेरी बातों से हील हुए हैं और मुझे उनकी बातों से ये चीजें पता चली, क्योंकि मुझे तो एक नहीं पता कि मेरी बातें मेरा जो एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर करती हूँ लोगों की लाइफ पे क्या इम्पैक्ट डालता है, लेकिन जब उनके एक्सपीरियंसेस आते हैं फिर वो चीज़ें बताते हैं कि आपकी बातें आपकी स्पीच जो भी आप अपनी वीडियोज में बताते हो वो सुन के हमारी लाइफ में कितना बड़ा बदलाव आया। अच्छा तो मैं इस चीज़ से बहुत एग्री करती हूँ कि समटाइम्स आप कुछ इस ऐसे सिचुएशन से जूझ रहे होते हो कि आपको सवालों का जवाब नहीं मिलता और किसी की कहीं भी बात आपकी लाइफ में बहुत अच्छा और बहुत बड़ा चेंजेस ला सकते हैं। देखो छोटा सा डायलॉग आपने सुना होगा, एक कहावत है कि मतलब बहुत सारे केसेस में क्या होता है, कोई बंदा बीमार होता है ना बहुत महंगे महंगे डॉक्टर्स की दवाई नहीं लगती, बहुत कुछ हो जाता है नहीं लगता, और किसी की झाड़ फूक भी लग जाती है ना, तो समझ रहे हो इस टाइप की चीज़ें हैं। तो थैंक यू सो मच और मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि मेरे कहे हुए शब्द किसी के लाइफ में कुछ अच्छा बदलाव ला सके, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि कुछ लोगों के लिए मैं इंस्पिरेशन हूँ। तो थैंक यू सो मच और सभी को शुभ दीपावली, आपकी लाइफ में इसी तरीके से रोशनी प्रकाश ज्योति प्रज्वलित रहे। मेरा पूरा लुक देख लो एक बार, मतलब बच्चा हो देखने लायक, तो क्योंकि आप लोग शिकायत कर रहे थे मेरे पति ने, इतना ऐसा पति है करवा चौथ वाले दिन भी मेरा पूरा लुक नहीं लिया, लोग इतने वो कह रहे थे कि पूरा लुक नहीं दिखाया, कैसे होना तो हुआ ख्याल ही नहीं है जल्दी की, कैसे देख लो साड़ी मैंने खुद बांधी है, कैसे लगती है तुम्हारे भाव, एक नंबर लग रही है साड़ी, बन बनी है ना आज, मैंने बांधी है खुद से।
और मैंने कुछ इयर रिंग वगैरह नहीं पहने क्योंकि फिर वो मेरे को बार बार चेंज करने पड़ते हैं, तो मैंने कहा कल ही कुछ पहनूंगी तो फिर चेंज कर लूंगी। तो मैं बहुत सिंपल सा तैयार हुई थी, बाल मेरे सारे बंधे हुए थे, मुड़े हुए थे, तो मैं खोल नहीं सकती थी, तो मैंने बन बना लिया। अब जिस किसी को भी मैं सुंदर लग रही हूँ उसका हाथ जोड़ के बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं, और जिनको मैं नहीं अच्छी लग रही हूँ उनको भी दिवाली की शुभकामनाएं, कोई दिक्कत नहीं है। आज का ब्लॉग यही पड़ता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, टाटा बाय, गुड नाइट, आई लव इट सो मच।